बैक टू माई यूट्यूब चैनल एस फार्मा टिप्स में मैं सत्यम मौर्य और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेथाकोबालामाइन 1500 mg इंजेक्शन के बारे में और जानेंगे इसके सारी सही यूज के बारे में और इसके यूज से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और किन कंडीशन में डॉक्टर द्वारा मेथाकोबालामाइन इंजेक्शन यूज किया जाता है और पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक मेथाकोबालामाइन इंजेक्शन है जो कि 1500 mg की फॉर्म में आती है और जो इसका ब्रांड नेम है वो है नीरोडेक 1500 mg इंजेक्शन, जिसको मैन्युफैक्चरिंग किया है कार्डिको फार्मास्यूटिक्स कंपनी के द्वारा और इसका कॉम्बो पैक आता है, डिस्पो के साथ आता है 3 ml की और 1 ml का एम्पुल होता है जो 1500 mg का होता है। दोस्तों, बात करें इसकी MRP की, तो इसकी MRP 45 रुपये। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब इस कंडीशन के यूज के बारे में कि किस कंडीशन में और किन बीमारियों को ठीक करने के मेथाकोबालामाइन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। सबसे पहले बात करें जो नसों में प्रॉब्लम होती है, नसों में सुन्नपन होता है, तो उस कंडीशन में यूज किया जाता है। दोस्तों, अगर किसी को लंबी बीमारियां, किसी अन्य समस्या के कारण बहुत ज़्यादा शारीरिक कमजोरी फील होती है, जिसकी वजह से इन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसको विटामिन 12 के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, जिसको मेथाकोबालामाइन इंजेक्शन के रूप में बनाया जाता है। तो जो इसके बेसिक यूज हैं, नसों की कमजोरी और झंझनाहट, सुन्नपन, इसके अलावा किसी व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया है, जिसको फालिस बोलते हैं, और उसको बॉडी पार्ट का काम नहीं करता है, वह हाथ भी हो सकता है, पैर भी हो सकता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो उस कंडीशन में नसें जो ब्लॉक हो जाती हैं पैरालिसिस में, तो उन नसों को खोलने के लिए इन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। दोस्तों, इन सभी के अलावा किसी व्यक्ति को बैक पेन की प्रॉब्लम हो रही हो या बॉडी में कहीं भी पेन रहती है, जैसे कि यह विटामिन 12 की कॉम्बिनेशन वाला इंजेक्शन है, तो वहाँ पर इस कंडीशन में भी यूज किया जाता है। और इसके अलावा यूज से बैक पेन, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इन सभी के अलावा शारीरिक कमजोरी को ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। और जो RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स होती है, उनमें इंक्रीज होती है। तो दोस्तों, ये थी मेथाकोबालामाइन 1500 mg इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसी लगी और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली ऐसे ही नॉलेजस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।